Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Imad Electronic. Assalamu alaikum. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो कूलर फैन की मोटर होती है जिस जो हाई स्पीड लो स्पीड वाली होती है यानी चार तार वाली उसके कनेक्शन दिखा रहा हूँ। क्योंकि आमतौर पर जो दो तार वाली मोटर होती है उसके तो कनेक्शन कोई भी कर लेता है, लेकिन जो तार चार तार वाली होती है जैसे ये देख पा रहे हैं ये मोटर है छः पर और ये चार तार है। इसका लगाने का तरीका जो इसके कनेक्शन होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, क्योंकि अगर तार गलत हमने लगा दिए सप्लाई के तो मोटर फ़ौरन से पहले फूक जाती है, इसलिए इसके कनेक्शनों का हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसके कनेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, ये जो हमारा नीले कलर की वायर है ये हमारी कॉमन होती है, और ये जो तीन तार हैं ये हमारे स्पीड के होते हैं। जैसे ये रेड कलर का तार है, लाल कलर का ये लो स्पीड है, और ये वाइट कलर का जो तार है सफ़ेद कलर का ये मीडियम स्पीड है, और ये ब्लैक कलर का जो तार है काले कलर का ये हाई स्पीड है। अब इसके कनेक्शन रोटरी में कैसे होते हैं, और दोस्तों ये वीडियो को पूरी देखना है, अगर स्किप करेंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ साथ हम पंप के कनेक्शन भी करेंगे, जो वाटर पंप होता है इसका उसके कनेक्शन भी करेंगे, यानी पूरी वायरिंग दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये रोटरी होती है, और इसके जो रोटरी का कनेक्शन होता है ये इनपुट होता है, बाकी जो लेफ्ट तरफ से देखेंगे हम ये पहला पॉइंट होता है, ये दूसरा ये तीसरा, यानी इस पर लाल लगेगा, इस पर सफ़ेद और इस पर काला। जैसे एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, ये लाल तार है हमारा, तो ये सबसे पहले पॉइंट पे यानी स्लो पॉइंट पे लगेगा। सफ़ेद कलर का जो तार है वो बीच में लगेगा क्योंकि मीडियम स्पीड के लिए है। और ये जो ब्लैक कलर का तार है ये लास्ट में लगेगा तीसरे पॉइंट पे यानी हाई स्पीड के लिए। थोड़ा सा ये गंदा हो रहा है, मैं इसे छील लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने बताया था, लाल कलर लो मीडियम हाई, और उल्टी तरफ को रोटरी करती है काम, यानी सीधी तरफ को घुमाएंगे तो पॉइंट चेंज होते रहेंगे। बाकी ये जो पॉइंट है इसका ये फेस इनपुट का है, और ये जो तार रह गया हमारा कॉमन इसका हम क्या करेंगे न्यूट्रल में लगाएंगे इसे। तो जैसे मेरे पास ये इसकी कूलर की लीड है, ये हो गया, ये देख सकते हैं मैं फेस वाली डोरी लगा रहा हूँ, और इसके इनपुट में ये लगा दी मैंने फेस वाली डोरी इनपुट में, और ये न्यूट्रल वाली जो डोरी है जैसे मैंने बताया था इसमें लगाऊंगा, इसमें लगा दिए। अब मैं इसे चला कर देखता हूँ और स्पीड लो हाई करके भी देखूँगा। दोस्तों इस टाइम ये ऑफ है, मैंने एक कट घुमाया इसकी स्पीड ये है, दूसरा कट घुमाया और हाई हो रही है, और
तीसरे कट पे काम नहीं कर रही। तो दोस्तों कुछ नहीं था, सिर्फ कार बनाया हुआ था ये, जो तीसरे पॉइंट पर काम नहीं कर रही थी। देखते हैं दोबारा से। ये है पहला पॉइंट इसका, और ये देखें, ये कार बनाया हुआ है जिसकी वजह से काम नहीं कर रही, बाकी कुछ नहीं है। और ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी पहला पॉइंट इसका काम नहीं कर रहा। और ये देखिए ऑफ है, यहाँ पहला, सिर्फ ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि इस पर कार बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं कर रहा है। ये तो हो गए इसके कनेक्शन दोस्तों। अब बाकी के पंप के कनेक्शन दिखाता हूँ। पंप ये है मेरे पास, उसके भी दिखाता हूँ अभी मैं। पंप के तार कैसे भी लग सकते हैं, न्यूट्रल फेस में लगने हैं, कैसे भी लग सकते हैं इसमें। इसमें तो सिर्फ दो पॉइंट वाला स्विच भी काम कर जाता है, लेकिन क्या है, ये इसकी जो बॉडी है कूलर की, वो उसमें रोटरी स्विच फिट है, इसलिए हम ये रोटरी स्विच ही लगाएंगे इसमें, क्योंकि हो सकता है दूसरा स्विच लगाएं तो इसकी शो बिगड़ जाए। ठीक है, तो मैं पहले फटाफट इस पर सोल्डरिंग करता हूँ, यानी इस रोटरी पे जो ये दिक्कत रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में इसके कनेक्शन दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें डोरी का टुकड़ा लेना होगा, क्योंकि हमें इस रोटरी में भी फेस पहुँचाना है। जैसे हो गया, तो इसके इनपुट में ये हम फेस लगा देंगे। अब फेस हमें चाहिए भी है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फेस हमारा इस रूटरी में को आ रहा, इसी से ले लेंगे। देख रहा इनपुट में, अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही जोड़ के दिखा रहा हूँ, इस पर मुझे सोल्डरिंग करनी है। बाकी के ये हो गए, ये बहुत सारे तीन पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसके लिए एक ही चाहिए होगा, क्योंकि एक तार तो हमारा न्यूट्रल में लगेगा और फेस के लिए एक ही चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों को आपस में जॉइंट कर देंगे, जिससे हमारे हर कट पर मोटर चले, सिर्फ एक ही जगह ऑफ होने का काम करे। ये हो गया, तीनों पॉइंट हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार चला के मैं इसे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसी के लिए डोरी लगाई है, और इसका ये न्यूट्रल है, इसका ये न्यूट्रल है, इन दोनों न्यूट्रलों को एक जगह हम कर देंगे। बाकी ये जो हमारा लीड का तार है, ये लाल काला, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसमें लगा देंगे। अब देखेंगे एक बार, पहले मैं इसे फैन को बंद करता हूँ। फैन बंद हो गया, ये है, इसे मैं चला करके देखता हूँ। तो देख सकते हैं जैसा आवाज़ आ रही होगी,
ज़्यादा देर इसे नहीं चला सकते, सूखे में पानी में चलती है। ये ऑफ हो गई और ये देख सकते हैं ये ऑन हो गई और ये हर कट पे चलेगी। सिर्फ ज़्यादा देर इसे नहीं चला सकते, बाकी ये फ़ैन है, एक बार और चला कर देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ये फटा हुआ है इसलिए हम लगा नहीं सकते। तो यही इसकी वायरिंग थी और ये सामने कूलर है, अब हम इसमें फिट कर देंगे, बस यही वायरिंग है और कुछ नहीं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो कूलर फैन वायरिंग की। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.